आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। अवैध खनन के ऊपर शिकंजा कसने वाली धनोटू पुलिस को इनाम में मिली 176 ट्रांसफर ऑर्डर। हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर राजनीतिक आधार पर हुए तबादले, जनता में रोष। ज्योति सुंदरनगर, सुंदरनगर के धनोटू थाने के 176 कर्मचारियों के तबादले के आदेश आने से पुलिस थाने में हड़कंप मचा हुआ है। बताते हैं कि जिस तरह नाचन में धमोटू थाने के तहत अवैध खनन की शिकायतें पुलिस को मिली, उसके बाद पुलिस ने निष्पक्ष तरीके से उनके जेसीबी और टिपरर के चलान किए। इससे सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं को अचरज होने लगा, जबकि जनता इस बात को लेकर खुश थी कि कम से कम पुलिस अपना काम ईमानदारी से कर रही है। इसी दौरान राजनीतिक हस्तक्षेप के जरिए धनोटू थाने के अधीनस्थ कर्मचारियों के तबादले बिना एसपी की सहमति से कर दिए गए। हालांकि इसको लेकर सत्ता पक्ष में ही तकरार हो गई है। मुख्यमंत्री से इन तबादलों को रद्द करवाने के लिए सत्ता पक्ष के कुछ नेता भी आगे आ रहे हैं। इस तरह से राजनीति से प्रेरित तबादलों से पुलिस के सिपाहियों का भी मनोबल टूट गया है, जबकि जनता को जिस पुलिस पर विश्वास जगा वह भी टूट गया। हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना। पूर्व नौकरशाह और जन समाधान केंद्र के प्रमुख बी आर कौंडल ने बताया कि उक्त कर्मचारियों का राजनीतिक आधार पर तबादला करना, उन्होंने कहा कि जो सरकार वी आई पी कल्चर को खत्म करती है, दूसरी तरफ वी आई पी नोट के आधार पर कर्मचारियों के भी तबादले करवाती है, जो कि हाईकोर्ट के आदेशों की अवहेलना है। जबकि उक्त कर्मचारी अपना टेन्योर तक पूरा नहीं कर पाए हैं, उन्होंने कहा कि अवैध खनन पर जिस तरह से धनोटू पुलिस ने शिकंजा कसा है, उन्हें सम्मानित करने के बजाय ट्रांसफर कर प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि किसके कहने पर ये तबादले किए गए। महिला मंडल आया पुलिस के समर्थन में। पुलिस थाना धनोटू में तैनात कर्मचारियों के हुए 6 स्थानांतरण के खिलाफ वैष्णवी महिला मंडल तरोट समर्थन में आया है। महिला मंडल की प्रधान सीमा देवी ने कहा कि कुछ व्यक्तियों को अवैध खनन की सुविधा मुहैया करवाने के लिए ये ट्रांसफरें करवाई गई है। उन्होंने कहा धनोटू पुलिस थाना खुलने के बाद से स्थानीय लोगों को कई प्रकार के अपराधों से सुरक्षा मिली। अगर बिना किसी कारण व अच्छा कार्य करने पर पुलिस थाना धनोटू में तैनात कर्मचारियों को व्यक्ति विशेष के इशारे पर ट्रांसफर किया जाता है, तो इससे आम जनता भी हैरान है, जबकि आम जनता में डर का माहौल उत्पन्न होगा। कुदरत का कहर अभी हाल ही में प्रदेश की जनता भुगत चुकी है। इसी के बाद धड़ल्ले से पुलिस थाना धनोटू और नाचन की खड्डों में अवैध खनन का कार्य जोरों पर है। नमस्कार, मैं वैष्णवी महिला मंडल त्रोट की प्रधान सीमा देवी हूं। मैंने आज एक न्यूज देखी जिसमें नाचन विधानसभा क्षेत्र में धनोटू थाने के कुछ पुलिसकर्मी भाइयों को अवैध खनन के चलते कुछ चलान काटे, जिसके चलते एक व्यक्ति की सपोर्ट करते हुए हमारे पुलिसकर्मी 6 पुलिसकर्मी अधिकारियों के तबादले जो है कर दिए गए। इससे जनता में एक डर का माहौल पैदा हो गया है और अवैध खनन करने वालों के हौसले और बुलंद हो गए हैं। इसीलिए हम सभी महिलाएं अपने पुलिसकर्मी भाइयों के साथ ऐसी कोई भी अन्याय नहीं होने देंगे, क्योंकि उन्होंने पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की है। अगर उन्होंने कोई भी ऐसा गुनाह नहीं किया जिसकी वजह से उनका तबादला कर दिया जाए, मेरी हिमाचल सरकार से विनती है कि इस मामले की जल्द से जल्द जाँच की जाए और हमारे पुलिस कर्मचारी भाइयों को इंसाफ दिया जाए। अगर ये ट्रांसफर जल्द से जल्द नहीं रुकी जाती तो हम नाचल मंडल की सभी महिला मोर्चा सड़क पर उतरकर अपने पुलिसकर्मी भाइयों के सपोर्ट में उतरेंगी और उन्हें न्याय दिलाएंगी। धन्यवाद।